हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लास 8। इंट्रोडक्शन। ऑल अवर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल। वी हैव रूल्स डिक्टेटिंग अवर एक्शन इन द सोसाइटी, एट स्कूल, एट वर्क प्लेस, इन पब्लिक प्लेसेस एंड इवन एट होम। स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रूल्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। वी हैव रूल्स डिक्टेटिंग अवर एक्शन इन द सोसाइटी। चाहे हम कहीं भी देख लें, हमारा समाज हो गया, हमारा स्कूल हो गया, या हमारे काम करने की जगह हो गई, या कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो गए, हर जगह हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और यहाँ तक कि घर में भी हमारे रूल्स बनाए जाते हैं। रूल इंश्योर्स दैट द रिच एंड पावरफुल डू नॉट डोमिनेट द सोसाइटी एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं और ये चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो रिच है या जो पावरफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज में अपना डोमिनेशन ना बना लें और सबको बराबर का मौका मिले और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। सम रूल्स आर मेड बाय द सोसाइटी, सम बाय एल्डर्स इन द फैमिली एंड सम बाय द स्टेट। कुछ रूल्स तो हमारे समाज बनाता है, कुछ रूल्स हमारे फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वो बनाते हैं, और कुछ रूल्स जो है हमारा राज्य स्टेट बनाता है, तो कुछ कोर्ट्स बनाते हैं। द सिस्टम ऑफ रूल विच अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टू गवर्न द बिहेवियर एंड इंश्योर द जस्टिस आर कॉल्ड लॉज। तो लॉज का मतलब क्या है? लॉज का मतलब है कि द सिस्टम ऑफ रूल, रूल्स का वो सिस्टम जिससे कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है, जिससे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि कैसे हमारा बिहेवियर होगा और सबको बराबर का जस्टिस मिल सके, उसे हम लॉज कहेंगे। अनलाइक अदर रूल, लॉज आर इन्फोर्स बाय द कोर्ट। और ये जो लॉज होते हैं स्टूडेंट, वो कौन इन्फोर्स करता है, कौन लागू करता है? वो हमारे कोर्ट्स लागू करते हैं। दिस मीन ब्रेकिंग अ लॉ कैन रिजल्ट इन इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी तरीके का लॉ ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं कानून को, तो उसके लिए हमें सजा भी हो सकती है और हमें जुर्माना भी भरना पड़ता है। नीड फॉर लॉ, अब हमें लॉज की जरूरत क्यों है? अ सोसाइटी विदाउट द लॉ एंड ऑर्डर वुड बी इन अ डीप कॉन्फ्लिक्ट एंड क्योस। अगर हमारे समाज में किसी भी तरीके का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। वी नीड लॉ टू अवॉइड दिस। हमें लॉज की इसीलिए ज़रूरत है ताकि इस तरह की सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकें और शांति बनी रहे, और पीस एंड हार्मनी, शांति भी समाज में बनी रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लॉ इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन। फंक्शन का, लॉज का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे, वो सेफ रहें। इन एनी कम्युनिटी देयर विल ऑलवेज ए डिस्प्यूट ओवर हु शुड हैव वॉट पार्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। और किसी भी कम्युनिटी में, समुदाय में बात कर लें, तो हमेशा एक बात का डिस्प्यूट रहता है, लड़ाई रहती है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको कौन रखेगा और किसके पास कितने रिसोर्सेज होंगे। लॉ इज नीडेड टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। तो इसीलिए हमें लॉज की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस तरह की अगर कोई भी डिस्प्यूट, लड़ाई हो, तो उसको सॉल्व किया जा सके। लॉ इंश्योर दैट देयर इज अ इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। लॉज इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि सबको बराबर का दर्जा मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, मौके मिले, चाहे भले ही हम किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी सेक्स से रिलेटेड क्यों ना हों। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लॉ इज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द रूलिंग बॉडी और द गवर्नमेंट। लॉ का एक ये भी फंक्शन है कि वो ये भी देखता है कि ये जो पावर होती है वो किसी कुछ लोगों के हाथों में ही रह के ना रह जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकार या कुछ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं बस उन्हीं के हाथ में पावर रह जाए। लॉ ऑल्सो एग्जिस्ट टू इंश्योर डेट अनफेयर सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्ट सिस्टम एंड डाउरी आर नॉट कैरीड ऑन। लॉ ये भी इंश्योर करता है कि देखता रहता है कि ये जो हमारे समाज में जो कुछ सोशल प्रैक्टिस, जो कुप्रथाएं चल रही हैं, जैसे कि कास्ट हो गया या फिर जो डाउरी दहेज प्रथा हो गई, ये आगे ना, ये ज़्यादा बढ़े ना। लॉज एंड रूल नॉट ओनली डिफाइन वॉट इज राइट एंड रॉन्ग। लॉ और रूल्स सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड एंडोर्स द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन ये साथ ही साथ लोगों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू लॉ दे हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू। और लॉज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए ही उसे हम संविधान में जोड़ते हैं।
Let us take the example of Dowry Prohibition Act to understand how a law can protect and prevent the people from getting the harm. इसके लिए हम एक example लेके चलते हैं Dowry Prohibition Act का, ये समझने के लिए कि laws जो है कैसे लोगों को protect करते हैं और कैसे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ये भी देखते हैं. The Dowry Prohibition Act. Various laws have been passed to protect the right and interests of the women. बहुत सारे लॉज पास हो चुके हैं ताकि महिलाओं के राइट्स को और उनके अधिकारों को बचाया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. इसी में से एक लॉ है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. वी हैव ऑफ्टन हर्ड अबाउट द डाउरी डेट एंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन बाय देयर हस्बैंड एंड इन लॉज फॉर डाउरी. हम अक्सर ये देखते हैं कि कैसे डाउरी के लिए, दहेज के लिए महिलाओं को की हत्या की जाती है या कैसे उनके साथ गलत व्यवहार उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड या फिर उनके ससुराल वाले करते हैं. Earlier dowry was given by choice as a gift to the bride and groom to secure them financially. पहले ये जो डाउरी है, ये जो दहेज है, एक तरीके से चॉइस के ऊपर दिया जाता था, अपनी मर्जी से दिया जाता था ताकि दूल्हा दुल्हन को फाइनेंशियली सिक्योर किया जा सके. बट नाउ इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ अ फोर्स कस्टम. लेकिन अब ये जो कस्टम है, ये जो दहेज प्रथा है, ये ज़बरदस्ती का उसने रूप ले लिया है. एक्सपेंसिव गिफ्ट, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, प्रॉपर्टी, मनी, पैसा या बहुत ही वैल्यूबल महंगे महंगे एसेट्स जो हैं, दूल्हे के जो फैमिली होती है वो दुल्हन के पेरेंट्स से डिमांड करती है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के वक्त. इन अवर कंट्री वुमेन्स आर इल ट्रीटेड इफ दे डू नॉट ब्रिंग द इनफ डाउरी. साथ ही साथ हमारे समाज में महिलाओं के साथ भी बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार होता है अगर वो बहुत ज़्यादा दहेज लेके नहीं आती हैं. इवन आफ्टर रिसीविंग द डाउरी देर आर केसेस ऑफ द गर्ल बींग हैरेस्ड. और यहाँ तक कि अगर महिलाएं डाउरी दहेज लेकर भी आती हैं तब भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें गर्ल्स को परेशान किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा भी जाता है और इवन उनको मार तक दिया जाता है, किल्ड कर दिया जाता है सिर्फ लालच के कारण. इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, इसलिए इस तरह की ईवल प्रैक्टिस, ये जो गलत प्रथा चल रही है हमारे समाज में, इसको रोकने के लिए, इस डाउरी सिस्टम को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया 1961 में. टेकिंग और गिविंग द डाउरी इज अगेंस्ट द लॉ. और दहेज लेना या देना दोनों ही कानून के विरुद्ध है एंड इज कंसिडर्ड टू बी एन क्रिमिनल ऑफेंस. और ये एक कानूनी अपराध माना गया. हाउएवर द इनएक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हैज फेल्ड टू कंट्रोल दिस ईवल प्रैक्टिस. लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लगने के बाद भी, उसके लागू होने के बाद भी, कहीं ना कहीं ये एक्ट फेल हो चुका है इस तरीके की कुप्रथा को हमारे समाज से हटाने में. ईच वन ऑफ अस नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दिस ईवल प्रैक्टिस टू पुट एन एंड टू दिस मेनास. और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक साथ खड़े हों ताकि इस तरीके की ये जो ईवल प्रैक्टिस, ये जो कुप्रथा हमारे समाज में चल रही है, उसको ख़त्म किया जा सके. कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is a set of fundamental principle and law according to which a country or an organization is governed. संविधान जो है वो एक principle और law का एक set है जिसके तहत जो है किसी भी देश को या किसी भी organization को चलाया जाता है. When a law is created, जब कोई भी law create किया जाता है तो that is added in the constitution, उसको संविधान में जोड़ा जाता है. The constitution of India describes the fundamental principle and establishes their structure, procedure and power. जो हमारे देश का संविधान है वो डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसकी ताकत क्या है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं एंड द सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट. और साथ ही साथ हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है और साथ ही साथ हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एक नागरिक होने के नाते. स्टूडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है ये एक तरीके की गाइडलाइन है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है वाइल दे आर फ्रेमिंग एनी लॉ एंड पॉलिसी. जब कभी भी वो कोई लॉ या पॉलिसी बनाएंगे तो उनको इस तरीके की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कंटेनिंग द 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 113 अमेंडमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में. इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, साथ ही साथ 115 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, फॉर अ टोटल ऑफ
1,17,369 वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, 1,17,000 से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स का इसमें यूज़ हुआ है. वाइल द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग जस्ट 7 आर्टिकल एंड 27 अमेंडमेंट. और अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 7 आर्टिकल और 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं. नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट फेल्ट इन 1934. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की नीड जो है 1934 में पड़ी, स्टार्ट हुआ उसकी नीड लगी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑन 11th of December 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. और 11th December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके की वो बॉडी थी जिसने कि हमारे संविधान को बनाने में मदद करी. इट वॉज अ बॉडी फॉर्म फॉर ड्राफ्टिंग और अडॉप्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज सेटअप टू प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक ड्राफ्टिंग कमिटी जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में सेट की गई और इसने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनाया. बिटवीन 9th of December 1946 एंड 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. 9th December 1946 और 26 नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया आज़ाद भारत के लिए. इट टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर टू कम्प्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और लगभग इसको पूरा करने में 3 साल लग गए. द ड्राफ्ट वॉज पब्लिश इन द February 1948 इन ऑल द नीडिंग न्यूज़पेपर टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन. और साथ ही साथ 1948 में इस ड्राफ्ट को बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया ताकि लोगों की राय के बारे में भी लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय भी ली जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल इम्पॉर्टेंट पर्पस. ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस को पूरा करता है, फुलफिल करता है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड पीपल फॉलोइंग द डिफरेंट बिलीफ कल्चर रिलीजन. इंडिया एक ऐसा लैंड है स्टूडेंट्स जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं. हैंस देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेज. इसीलिए बहुत सारी चांसेस होते हैं कि हमारे लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं और आपस में विचार नहीं मिलते हैं. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सेम वन नीड अ डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग द एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसीलिए इस तरीके के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ज़रूरत पड़ी जो कि हर तरीके के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, चीज़ों को कवर करता हो. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वेयर देर आर सो मेनी पोलिटिकल पार्टी एंड लीडर हु एक्सरसाइज द एब्सोल्यूट पावर, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिसयूज देयर पावर. स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो हैं काम एक साथ करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. तो ये हमेशा एक चांस बना रहता है कि ऐसा ना हो कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें. दस अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनेक्टेड विच लेज डाउन द रूल डैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाई एनी पॉलिटिशियन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ देखता है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे. इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं जो कि संविधान में लिखे हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल बाय विच द कंट्री कैन बी गवर्न्ड इन द डिजायर्ड मैनर. साथ ही साथ संविधान जो हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसने बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाया है जिससे ये मदद मिलती है हमें कि हमारे देश को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है. अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारे सोसाइटी का नेचर कैसा है, हमारे समाज का नेचर कैसा है. इट ऑल्सो ले डाउन दी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द वेरियस सोसाइटीज ऑफ द कंट्री. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है और इस तरह की गाइडलाइंस देता है जिससे कि किसी भी तरीके की सोसाइटी को किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद मिले. इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी.
संविधान ये भी हमारा चेक करता है, ये भी श्योर करता है कि किसी भी तरीके से जो हमारा माइनॉरिटी सेक्शन है उसको किसी भी तरीके से मेजॉरिटी सेक्शन डोमिनेट ना कर पाए, उस पर एकाधिकार ना बना पाए। माइनॉरिटी सेक्शन हमारा वो सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे देश का एक बहुत छोटा सा स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा सा, जिसमें अलग अलग रेस के, रिलीजन के या लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उन्हें हम माइनॉरिटी सेक्शन कहते हैं। इट प्रोवाइड अ राइट टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हमारे राइट्स के बारे में भी बताता है और उस राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, लेकिन अगर हम इसके इन्फोर्समेंट की बात करें तो वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। सिंस देन मेनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हैज अकर्ड इन अवर कंट्री। और तब से लेकर अब तक हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक या इकोनॉमिक, आर्थिक बहुत सारे बदलाव हमारे देश में हो चुके हैं। द सर्टेन रूल मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू द प्रेजेंट सिनेरियो। कीपिंग दिस इन माइंड, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर कंट्री एंड इट्स पीपल। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंजेस होते रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, और उसमें इसीलिए तरह तरह के चेंजेस टाइम टू टाइम किए जाते हैं और होते रहे हैं, ताकि हमारे देश का बेटरमेंट हो सके और लोगों की भी भलाई हो सके। चेंजेस और मॉडिफिकेशन मेड इन द एग्जिस्टिंग लॉज आर कॉल्ड अमेंडमेंट। अगर किसी भी तरीके का लॉज के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉज, जो नियम बनाए गए हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके का बदलाव होता है या कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चेंज इन द नेशन फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। तो किसी भी तरीके का चेंज अगर संविधान में किया जाता है तो ये एक तरीके का वो प्रोसेस है कह सकते हैं, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के चेंजेस करते हैं। अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट अबाउट 100 हैव बीन पास्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन इन्फोर्समेंट इन 1950। तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1950 में, तब से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट हो चुके हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा चेंजेस अमेंडमेंट किए गए हैं। दीज हैव ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू अमेंडमेंट इन अ मैरिज लॉ हैज मेड इट इजियर फॉर द वुमेन टू गेट डिवोर्स। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक नए तरीके का अमेंडमेंट मैरिज लॉ में किया गया ताकि महिलाओं को डिवोर्स लेने में आसानी हो सके। दिस अमेंडमेंट हैज मेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम इंड्योरिंग अ बैड मैरिज। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया था तो वो इसलिए किया गया था ताकि कि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके और वो किसी भी तरीके की जो बैड मैरिज होती है, उनकी अगर गलत शादी हो गई है तो वो उससे बाहर निकल सके। लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। We need a constitution to govern a country efficiently। हमें constitution की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने देश को अच्छे से govern कर सकें, चला सकें। To ensure that the concentration of power is not confined to just one body, the constitution has divided the government into the 3 different organ। और साथ ही साथ constitution ने ये भी देखा, चेक किया कि जो power है वो कुछ ही किसी एक body के पास या किसी कुछ लोगों के हाथ में ही concentrate होके ना रह जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में बांट रखा है, द लेजिस्लेचर मेकिंग द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, द जुडिशरी इन्फोर्स द लॉ। एक आपका है लेजिस्लेचर जो कि नियम लॉज बना रहा है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और तीसरा जुडिशरी है जो कि लॉ को इन्फोर्स कर रहा है। ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन डिराइव देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे तीनों ऑर्गन्स हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी सिटीजन, आम नागरिक है, वो अपनी पावर्स को और अपनी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारी क्या पावर है और अथॉरिटीज, जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, उनकी क्या पावर है। इट इज़ कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल टू एक्ट अगेंस्ट इट। और ये बहुत ही अनलॉफुल माना जाता है कि अगर हम संविधान के अगेंस्ट में जाके कोई काम करते हैं। In this way, the constitution allocate the power to different organs of the government and also restrict them। तो हम ये कह सकते हैं कि constitution एक समय पे दो काम करता है। पहला
अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन को पावर भी दे देता है और साथ ही साथ उनको उसी समय पे रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है कि कहाँ तक उन्हें काम करना है और उसके बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते। द ह्यूमन राइट्स, एवरी पर्सन इज एंटाइटेड टू सर्टेन फंडामेंटल राइट आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन राइट। हर एक इंसान के जो है उसके कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स आर नीडेड फॉर द कम्प्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये राइट्स जो हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हर इंसान का इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। राइट रेफर्स टू द लीगल सोशल मॉरल फ्रीडम और प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स क्या है? राइट्स एक तरीके के वो आपको एडवांटेजेस दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो भी हर तरीके के एडवांटेजेस, जैसे लीगल हो गया, कानूनी अधिकार, या सोशल सामाजिक, या मॉरल फ्रीडम, सो दैट वी कैन लिव अवर लाइफ विद डिग्निटी, ताकि हम आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सर्टेन राइट बट ओनली सम ऑफ दीज आर एब्सोल्यूट वाइल सम आर नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स अधिकार दिए हैं बट लेकिन ओनली सम ऑफ दीज आर एब्सोल्यूट, लेकिन इसमें कुछ जो हैं एब्सोल्यूट राइट हैं लेकिन सारे राइट्स हमारे एब्सोल्यूट राइट नहीं हैं। एब्सोल्यूट राइट्स, दीज आर द राइट डैट कैन नेवर बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड वॉट एवर द सर्कमस्टांसेज आर, इवन इन द स्टेट ऑफ वॉर और एमरजेंसी। तो एब्सोल्यूट राइट अधिकार वो अधिकार होते हैं डैट कैन नेवर बी लिमिटेड, मतलब उन्हें कभी भी लिमिटेड नहीं किया जा सकता या उन्हें कभी भी रोका नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी हालात हमारे देश में क्यों ना हो, चाहे भले ही हमारे यहाँ युद्ध की स्थिति क्यों ना हो, चाहे इमरजेंसी की स्थिति हो, लेकिन कुछ अधिकार हमसे कभी नहीं लिए जाएंगे, वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द राइट नॉट टू बी टॉर्चर और ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन और डिग्रेडिंग वे रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज एन एब्सोल्यूट राइट। इसमें स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई भी हमें टॉर्चर नहीं कर सकता, हमें तकलीफ नहीं दे सकता है, या हमें हमें जानवरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है कि जैसे कि हम इंसान ही नहीं है, ऐसी कोई ट्रीटमेंट हमारे साथ नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी हालात क्यों ना हो। तो उस तरीके के अधिकार को हम एब्सोल्यूट राइट कहेंगे। नॉन एब्सोल्यूट राइट्स, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नॉन एब्सोल्यूट। ज़्यादातर जो इंसानी अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो नॉन एब्सोल्यूट होते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग सर्कमस्टेंसेज। और कॉन्स्टिट्यूशन के पास, हमारे संविधान में ये इतना लिखा है, इतना अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि अगर कुछ ऐसे हालात हमारे देश में हैं जो कि सही नहीं है, तो उस समय हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। However, such a suspension automatically end when the situation ceases or when the president order. लेकिन हालांकि हमेशा के लिए हमारे fundamental rights suspend नहीं किए जाते हैं, हमेशा के लिए हमसे नहीं छीन जाते हैं। अगर situation ठीक हो जाती है तो automatically वो अधिकार हमें मिल जाते हैं, या फिर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो president है, जब वो order करते हैं तब हमारे orders जो हैं हमको, तब हमें हमारे अधिकारों को वापस दिया जाता है। For example, the right to liberty, freedom of expression and the right to peaceful enjoyment of possession can be suspended during the time of emergency. तो हम कह सकते हैं कुछ अधिकार, जैसे कि right to liberty हो गया, या फिर freedom of expression हो गया, या फिर right to peaceful enjoyment of possession, मतलब शांतिपूर्वक अगर हम कहीं enjoy कर रहे हैं किसी भी position में, position को, या फिर हम express करना, व्यक्त करना अपने विचारों को, उस तरीके का जो right हो गया, तो इस तरीके के राइट्स हमसे लिए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर हमारे देश में आपातकालीन स्थिति, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी, अगर लागू हो जाए। इमरजेंसी इज अ सिचुएशन इन विच द हेड ऑफ द स्टेट अज्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू डिफेंड द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, इमरजेंसी एक आपातकालीन स्थिति, एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे राज्य के हेड को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी जाती है ताकि वो हमारे राज्य को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें किसी भी बाहरी पावर से, और राज्य के अंदर, देश के अंदर किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। इमरजेंसी एक बार भारत में लागू की भी जा चुकी है इन 1975, और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो मिसेज इंदिरा गांधी थी। लॉ एंड डिसेंट, डिसअग्रींग विद और अपोजिंग अ लॉ इज कॉल्ड डिसेंट। अगर हम किसी भी तरीके के लॉ को अपोज करते हैं, उसका खंडन करते हैं, या हम उससे एग्री नहीं होते हैं,
या हमें लगता है कि ये लॉ जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उस तरीके के प्रोसेस को जब हम उसे अपोज कर रहे हैं उसे हम डिसेंट कहते हैं, मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध जाना। एट टाइम इट हैपन डैट वी डू नॉट एग्री विद सर्टेन लॉ डैट कर्टेल अवर फ्रीडम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लॉज जो हैं वो हमारे राइट्स को या हमारी आज़ादी को हमारी आज़ादी को हमसे छीना जा रहा है, तो ऐसा कभी कभी होता है। तब हम कुछ लॉज के अगेंस्ट में चले जाते हैं और हम उससे एग्री नहीं हो पाते हैं। वी डिस्प्ले अवर एंगर बाई प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉ इन वेरियस वे। और हम अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, हम उन लॉज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं या उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द टू मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दो एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल प्री 1947 एग्रीटेशन द सॉल्ट सत्याग्रह। सबसे पहला एग्जाम्पल सॉल्ट सत्याग्रह का दिया गया है। इन 1929 इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट एक्ट। 1929 में भारतीयों ने इंडियंस ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया था, नारेबाजी लगाई थी सॉल्ट एक्ट के तहत। दीज एक्ट प्रोहिबिटेड द इंडियन फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग द सॉल्ट। दे वर फोर्स्ड टू बाय द सॉल्ट बाय पेइंग अ हैवी सॉल्ट टैक्स। ये जो एक्ट था, इस एक्ट का, इस कानून, नमक कानून का मतलब ये था कि हमें इंडियंस को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाता था, मना किया जाता था कि हम किसी भी तरीके के नमक को खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, और अगर हमें नमक चाहिए, हमें खरीदना है, तो हमको बहुत ज़्यादा हैवी सॉल्ट टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अ मूवमेंट वॉज लॉन्च टू वायलेट द सॉल्ट एक्ट। महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में एक मूवमेंट को लॉन्च किया गया ताकि सॉल्ट टैक्स को वायलेट पूरी तरीके से बंद किया जा सके। दिस एक्ट ऑफ डिसेंट केम टू बी नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये जो एक्ट था, जब लोगों ने अपोज किया, डिसेंट किया, लोग डिसएग्री हो गए कि हम किसी भी तरीके का सॉल्ट टैक्स पे नहीं करेंगे, उसी को सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से या डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज आश्रम। महात्मा गांधी और उनके जो सत्याग्रही जो थे साथ में, उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा करी साबरमती आश्रम से लेके गुजरात के डांडी कोस तक, ताकि इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा सके, इस सॉल्ट नियम, ये जो नमक कानून था, इसको तोड़ा जा सके। ही अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर लिफ्टेड द रॉ सॉल्ट इलीगली। तो गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक काम किया कि वो डांडी कोस्ट पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने समुद्र के कोस्ट पे पहुँच कर नमक को उठाया, फिर उसको बॉयल किया और इस तरीके से नमक कानून को तोड़ा। हाउएवर द सॉल्ट टैक्स वॉज नॉट रिपील। लेकिन हालांकि सॉल्ट टैक्स को रिपील नहीं किया गया था, उसको हटाया नहीं गया था, नेवरदिलेस द सॉल्ट मार्च कंक्लूडेड एट डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। और ये जो यात्रा थी, ये जो मार्च थी, ये डांडी में होती रही 6 अप्रैल 1930 तक। इज व्यूड एज अ पावरफुल एक्ट ऑफ पीसफुल डिसेंट, जिसे कि बहुत ही इस मार्च को एक तरीके से देखा जाता है कि ये जो मार्च निकाली गई थी बहुत ही शांतिपूर्वक निकाली थी, और ये मार्च जो रैली निकली थी ये बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही पावरफुल रैली थी। दिस राइट टू पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट द लॉ बिलीव टू बी अनजस्ट इज ग्रांटेड टू ऑल द सिटीजन लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये एक तरीके से देखा गया था कि ये जो रैली थी, इससे ये चीज़ समझ में आई थी लोगों को कि कैसे ये जो लॉ है जो बनाया जा रहा है, इससे सिटीजन्स के साथ कितना गलत तरीके से, गलत बहुत ही उनके साथ हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है। पोस्ट 1947 एग्रीटेशन द चिपको मूवमेंट। इन हिंदी द वर्ड चिपको मीन टू स्टिक और टू हग। हिंदी में चिपको का मतलब होता है टू स्टिक, किसी चीज़ से चिपक जाना या हग करना, गले लगाना। द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1970। चिपको मूवमेंट को 1970 में लॉन्च किया गया था। इट ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द ट्री एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बींग डिस्ट्रॉय। इसका चिपको मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये था ताकि पेड़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, और फॉरेस्ट को, जंगलों को किसी भी तरीके से बर्बाद होने से रोका जा सके। द विलेजर यूज टू हग द ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वुड कटर हु केम फ्रॉम मैनी लुम्बर कंपनी। जो गांव के लोग थे वहां के, उन्होंने पेड़ों को हग करके वो स्टिक होके खड़े हो गए ताकि उन्हें वुड कटर से, पेड़ काटने वाले लोगों से बचाया जा सके।
जो कि बहुत सारी जो ये जो वुड कटर थे, ये जो लम्बर कंपनीज होती हैं पेड़ काटने वाली, ये जो कंपनियां थी उन वहां से आए थे। इट वॉज अ स्ट्रांग अपराइजिंग अगेंस्ट द लुम्बरमैन हु वर टेकिंग अवे द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल विलेजर बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। तो ये एक तरीके का बहुत ही स्ट्रांग, लोगों के प्रति लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से लुम्बरमैन के अगेंस्ट में उनके खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि लुम्बरमैन्स ये जो काटने आए थे पेड़ों को, इनकी वजह से जो गांव के लोकल लोग थे उनकी लाइवलीहुड पे, जीवन यापन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था पेड़ कटने की वजह से। इन द प्रोसेस दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट। साथ ही साथ वो एक तरीके से जंगलों को बर्बाद कर रहे थे, नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं हमारे जंगल उनको खराब कर रहे थे, और पूरी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, एंड थस डिस्टर्बिंग द होल इकोलॉजिकल बैलेंस, और पूरी तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहे थे। द गोल ऑफ द मूवमेंट वॉज टू प्रिवेंट द कमर्शियल फेलिंग ऑफ द ट्री टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड एंड द एनवायरमेंट। इस मूवमेंट का गोल यही था, उद्देश्य यही था कि ये जो पेड़ों को काटा जा रहा था कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको रोका जा सके, ताकि लोगों की लाइवलीहुड को, लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनकी लाइवलीहुड, जो जीवन यापन पे असर पड़ रहा था उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके। आफ्टर द 1970 अलकनंदा फ्लड, और 1970 में 1970 में अलकनंदा जब फ्लड आया, जब बाढ़ आई, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द फॉरेस्ट। तब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज हुई, इस चीज़ का एहसास हुआ कि फॉरेस्ट को, जंगलों को बचा के रखना कितना ज़रूरी है, बिकॉज दे सर्व एज अ डिफेंस बेल्ट। क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल हैं, एक तरीके से आपको डिफेंस करते हैं, एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ट्री प्रोटेक्ट दी टेरेन्स एंड द पीपल फ्रॉम कलेमिटी लाइक फ्लड। जो पेड़ होते हैं कैसे लोगों को किसी भी तरीके की आपदा से बचाते हैं, जैसे कि फ्लड जैसी आपदा से बचाते हैं। सिंस देन द कमर्शियल फॉरेस्ट फेलिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। और तब से जंगलों का कमर्शियल तौर पे कटने कटने को जो काटे जा रहे थे उस पे बैंड लग गया। द कंक्लूजन वी मे ड्रॉ फ्रॉम दिस इज दैट इफ अनजस्ट लॉ आर पास्ड। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी अनजस्ट लॉ को पास किया गया, कोई भी गलत तरीके का नियम को पास किया गया, पीपल विल इवेंचुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। तो लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, खड़े जरूर होंगे उसके अगेंस्ट में। देयरफॉर लॉ मस्ट बी क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द पीपल। इसीलिए कभी भी अगर कोई भी लॉज बनाए जाए तो इस चीज को दिमाग में रखा जाए कि लोगों की नीड, लोगों की जरूरत को ध्यान में रखा जाए। यह चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, एंड दैट्स फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल केम विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू।